आपको बता दें कि एक साथ तीन मामलों का अनावरण करते हुए बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र में करीब दो दिन पूर्व हुए लूटपाट की घटना का खुलासा करते हुए ललिया पुलिस ने सामान भी बरामद कर लिया है और तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना का कहना है, पुलिस सक्रिय है, जो भी घटनाएं होंगी उसका अनावरण शीघ्र किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि ललिया पुलिस सक्रिय है। ललिया थाना क्षेत्र के एक गाँव में लूटपाट हुई थी, जहाँ ललिया थाना के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी, अतिरिक्त निरीक्षक शंभू सिंह ने सराहना कार्य करते हुए तीन चोरों को लूटपाट किए गए माल के साथ गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। इसके उपरांत कल शाम थाना जरवा में लगभग 700 ग्राम कोकीन के साथ नेपाल की एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसका विवरण हमने आपको दिया है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7 करोड़ है। ये कैरियर है, यहाँ से ये दिल्ली ले जाती है और वहाँ, और इस पूरे जो नेटवर्क है इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि कहाँ पहुँचता था, कौन कौन लोग और शामिल हैं, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली देहात के ग्राम जमनी जोत में एक 307 IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें जो रोशन उर्फ रोशन जमा वांछित अभियुक्त